बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज का वसीफा अमल बहुत प्यारा, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अपनी इस बहन को अगर बहुत ज़्यादा आपकी कोई परेशानी है तो ज़रूर याद करें। अगर कोई तकलीफ है, कोई दिली मतलब कि आपको परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ अपनी इस बहन को याद करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं आपकी बहन आपकी ज़रूर मदद करेगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम के सफ़े रमज़ान की पहली रात को नाजिल हुए, तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई, अंजील 13 रमज़ान मुबारक को नाजिल हुई, ज़बूर 18 रमज़ान को नाजिल हुई, कुरान मजीद 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहली बात ये देखें कि मेरे नबी का तल्लक हमारे से क्या है। हर कोई देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी अपनी एक उम्मत है, ठीक है, जैसे हम उम्मत मोहम्मदी हैं, ठीक है। फिर जैसे हज़रत इस्माइल हो गए, हज़रत यूसुफ, हज़रत यूनस, हज़रत मूसा, ईसा, ठीक है ना। तो हमारे नबी की सबसे बड़ी उम्मत है, और इसमें गुनाहगार भी ज़्यादा है। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे नबी के सामने जब वो उनकी उम्मत को पुकारा जाए तो वो शर्म से सर झुकाए? तो मेरी बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि बहनों को पर्दों का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत आबरू से अपने घर रहना चाहिए, मेरे नबी की कभी नजर ना झुके, और मेरे नबी की सुन्नतों को आम करो, मेरे नबी की अहादीसों को दूर दूर तक पहुंचाओ, ताकि अल्लाह पाक की ज़ात आप पर रहम करे। आज का वजीफा बहुत प्यारा, बहुत आला, और उसका तरीका आज मैं आपको जो बताऊंगी उसमें किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोगों ने वज़ाइफ बताए, बहुत ज़्यादा, अमल नहीं कोई बताता, क्योंकि अमल एक ताकत रखता है। वज़ाइफ हम चलते फिरते किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अमल ख़ास अल्लाह की रहमत पाने के लिए किया जाता है। हम नमाज सारे दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं ना, हम कुरान पाक भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, सूरह वाकिया को मगरिब के टाइम, सूरह मुल्क को ईशा के टाइम, नमाज फजर जुहर असर एक वक्त मुकर्रर को क्यों, तहज्जुद एक वक्त मुकर्रर को क्यों, रमजान के रोजे एक वक्त मुकर्रर को क्यों, किसी भी वक्त तो रखे जा सकते हैं ना। कोई दिन शबान, आप सल्लम का जो है शब बारात, इन दिनों के हिसाब, चांद सूरज एक वक्त मुकर्रर पर क्यों। अमल का तल्लक भी इसी तरह, अमल को अमल की तरह करें। कपड़े पाक साफ, कपड़े सफ़ेद हो तो नायाब, क्योंकि मुतबरी की अलामत होते हैं। अमल में कपड़े लाइट कलर, मतलब जैसे नीम कलर होता है, जैसे आसमानी कलर हो जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है, बिल्कुल लाइट कलर। उसके बाद बावजू गुसल करें, गुसल नहीं तो बावजू दो नफल तोबा, दो नफल हाजत, फिर अल्लाह से फरियाद करें, अमल की कामयाबी की दुआ करें। एक मोमबत्ती लें, जिसे कैंडल भी कहते हैं, मोमबत्ती लें। अब आपने क्या करना है, पढ़ाई करनी है बिस्मिल्लाह शरीफ की, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ, उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह इख़लास, 7 मरतबा सूरह कौसर। ये सब पढ़ाई उस मोमबत्ती में या उसकी रोशनी में उसकी तरफ देख के करनी है। कोशिश करें अमल के दौरान किसी से बात ना करें। एक दिन का अमल बताती हूँ मैं आपको, अगर आप तरीके से कर लेना तो यकीन माने, अगर आप 3 दिन मेरा अमल तरीके से करें, 1 दिन का अमल 3 दिन लगातार करें, कोई ऐसी मेरे रब की ज़ात के अलावा ताकत नहीं है जो उस शख्स को, उस बहन भाई को
آپ کی طرف مسخر و تسخیر متوجہ واپس پلٹانے میں وہ مدد نہ کرے. آپ یقین مانیں کہ جتنے پیارے پیارے میں عمل آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا نہ سمجھائے گا. محبتی میں اب عمل جب آپ کی جب آپ پڑھائی کے دوران خوشبو بھی لگایا کریں, خوشبو کا استعمال کریں تاکہ فرشتے آپ کے پاس آئیں, کیونکہ فرشتوں کی غذا خوشبو ہے, مکلین کی غذا خوشبو ہے. خوشبو کا استعمال یہ نہ ہو کہ آپ پرفیوم لگانا شروع کر دیں, نہیں, عطر لگائیں. اگر نہیں لگا سکتے تو اگربتی آپ لگا سکتے ہیں, اس کی خوشبو بہت معتبر ہوتی ہے. یقین مانیں کوئی کتنا بھی سم دل ہو, کوئی کتنا بھی رحم دل نہ ہو اور پتھر دل ہو, ایسے بکراری ہو کہ آپ کی سوچ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ قدموں میں آ کے گر جائے گڑ گڑائے تو بناس بلا, ایسے نہیں مطلب کسی کے ساتھ کرنا چاہیے, لیکن اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بے چین اتنا بکرار, ساتھ ساتھ دل میں تصور میں رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, شریعت کا خیال رکھیں. میاں بیوی کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے, گھر میں کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف ہیں ان کو مسخر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے, اپنے پیاروں کو مسخر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اگر کسی کا اپنا پیارا بہت دور جا چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے, اس کو بھی حاضر کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے. یہ اتنا طاقتور عمل ہے. یہ عمل 3 دن آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ اس سے زیادہ اگر کسی کو بے چین یا آپ کا کام مطلب اتنا زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے کہ اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہو اور اللہ پاک کی رحمت بھی آپ سے روٹ جائے. آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے, ایک دفعہ ضرور کیجیے گا, انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں, استخارہ کروائیں, اور آپ کا پتہ ہونا چاہیے مجھے کہ کون عمل کر رہا ہے, تاکہ میں ان کے لیے دعا بھی مدرسے میں بھی کروا دوں اور ویسے بھی دعا کروں اور ساتھ میں عمل میں بھی آپ کو سپورٹ کروں یا آپ کے لیے عمل کروں. اس کے ساتھ اجازت دے, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ.